अभी हम ट्रेन की मार्किंग करेंगे। पहले सबसे पहला सीधा कर लेंगे इस तरह। हमारी बॉडी लंबाई 8.5 इंच, 1 इंच बढ़ाएंगे 9.5 इंच। इसको भी सीधा मार्किंग करेंगे। शॉर्टर है 9 इंच, उसको 1 इंच सिलाई के लिए बढ़ाएंगे। 10 इंच दो में डिवाइड करेंगे यानी कि 5 इंच। और यहां से रखेंगे हम 4.5 इंच अरमोल। यहां से जो रखते थे 5, यहां भी रखेंगे 5। सीधा कर लेंगे इसको भी सीधा। बेस्ट है हमारा 22, 4 इंच हम लूजिंग देंगे, हुआ 26 इंच। 26 को 4 में डिवाइड करेंगे, हुआ 6.5 इंच। यहाँ से 6.5 इंच रखेंगे। कमर, कमर हमारा है 22, 1 इंच हम लूजिंग देंगे, हुआ 23। 23 को 4 में डिवाइड करेंगे, हुआ 6.25, तो 6.25 रखेंगे। आधा इंच शेप ऊपर लेंगे इस यहाँ पर लूजिंग सिलाई के लिए। अभी नेक, नेक हम रखेंगे 2 इंच यहाँ से क्योंकि छोटी बच्ची है। 2 इंच यहाँ से रखेंगे हम 4.25 इंच। इसमें हम एक पैटर्न बनाएंगे। इस पर ये हुआ सीधा मार्किंग कर लेंगे पहला। इसमें पट्टी देंगे 1 इंच की पट्टी ऊपर से, अस्थिर नहीं रहेगा इसमें, यानी कि 1.25 इंच की पट्टी यहां से इस तरह। इस तरह यहां से हम क्रॉस करेंगे। इस तरह हमारा कटिंग होएगा यहां से लेके यहां तक। ये ऊपर से पट्टी लगाया जाएगा, अस्थिर नहीं रहेगी इसमें। यहाँ से एक दाब सिलाई लेंगे खाली, यहाँ से सिलाई के लिए मारी। इस के बाद 1.25 इंच की पट्टी यहाँ से भी देंगे इस तरह, ऊपर से पट्टी लगाएंगे 1.25 इंच की। पाइपिंग देखिए, इस सेम पट्टी लगाएंगे आजू बाजू पाइपिंग। 1.25 इंच की पट्टी यहां से लगाएंगे बैक फ्रंट बैक कटिंग। बैक के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे, हुक आई के लिए ये पट्टी यहां से हम बराबर रख देंगे।
यहाँ पर एक चटका लगाएंगे, यहाँ पर एक चटका, बैक फ्रंट, इसके बाद घेरा काटेंगे। अभी घेरे के नीचे हम फ्रिल देंगे। कमर हुआ हमारा 8.5 रेडी, 9.5 पे काटे थे हम, 25 पे पहला मार्किंग करेंगे, जैसे कि लेंथ 25 रखना है हमें उस तरह। फिर वहां से 1-2-3 इंच कम काटेंगे, 4 इंच की फ्रिल देंगे, यहां से 3 इंच काटेंगे, 4 इंच की फ्रिल देंगे। ये हमारा 14 इंच, यहाँ पर भी 14 ही करेंगे। इसको हम डबल देंगे घेरा, हम भी घेरे का हिसाब इस बॉडी से लेंगे, यानी कि ये जो हिस्सा है सिंगल, यही हिस्सा हमारे डबल चाहिए, यानी कि फ्रंट में डबल, बैक में डबल। इसको हम आधा कर लेंगे, यानी कि डेढ़ पल्ला। यानी कि ऐसे 4 हिस्से, ये आधा पल्ला गैजिंग के लिए, आधा पल्ला यानी कि डेढ़। हमने रखा था 6.5 को डबल करेंगे तो फ्रंट का एक हिस्सा होगा, वैसे ही बैक का एक हिस्सा और ले लेंगे। अभी फिर काटेंगे इसके बाद। फ्रिल में हम 4 इंच काटेंगे, 1 पट्टी 2 पट्टी और 3 पट्टी, 3 पट्टी हम डालेंगे, 1-2-3। तीन पट्टी फ्रिल का होगा, यानी कि 1.5 पट्टी हमने घेरा बढ़ाया, 1.5 पट्टी फ्रिल में बढ़ा।
रहा था यहाँ से एक पट्टी देंगे हम 3.25 इंच, यानी कि लंबाई चौड़ाई 1.25 इंच, 1.25 इंच का हम डबल लेंगे। पहले तो मार्किंग लेंगे यहाँ से, मार्जिन 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच पे एक मार्किंग, फिर 1/2 इंच पे एक मार्किंग, यानी कि 3.5 इंच। ये हुआ 3.5 इंच। 3.5 इंच की पट्टी हम सीधा काट लेंगे। ये पट्टी को हम डबल करेंगे। डबल करने के बाद यहां से हम 3.25 इंच रखे थे, 3.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह। 1/2 इंच सिलाई पर आया है, ये पट्टी को हम ऐसा करके सिलाई मार के डबल कर देंगे। ये हुआ बैक और फ्रंट की पट्टी इस तरह। अभी हम इसकी पट्टी डालेंगे, एक पट्टी ऊपर से लेंगे, यानी कि ये जो पट्टी बताया था ये पट्टी का मार्किंग किए गया। ये पट्टी को हम कैसे देंगे, अभी गेजिंग देंगे पूरा पट्टी इस तरफ। सीधा पट्टी काट लेंगे, सीधा पट्टी काटने के बाद में गेजिंग देंगे। गेजिंग यानी कि 2 इंच की पट्टी हम काटेंगे, सीधी पट्टी 2 इंच। दो पट्टी काटेंगे इसमें, ये हमारा दो पट्टी। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से गेजिंग लगाएंगे। गेजिंग लगाने के बाद में ऊपर से इसी तरह घुमा देंगे गेजिंग के साथ। 1/2 इंच की पट्टी यहाँ पर पर्पल कलर की प्लेन में, 1/2 इंच की पट्टी यहाँ पर पर्पल कलर की प्लेन में,